गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द पिक्सल गाय। मतलब इट्स लगभग एक साल हो गया हम चैनल पे कुछ भी नहीं डाला। लास्ट टाइम हम दिवाली के वक्त डाला था, जो कि एक साल लगभग होने को है। तो इसलिए सॉरी फॉर डैट। आज इसलिए मतलब ये वीडियो आज ब्लॉग बनाऊंगा मैं। अभी हम लोग जाने की कोशिश कर रहा है गेटसेमैन द मैन मेड फॉरेस्ट, जो भैरवकुंड पे है। तो यह नया एक मतलब जंगल बनाया है आदमी लोग, मैन मेड फॉरेस्ट है वो। उधर मतलब एलिफेंट कंट्री कैंप भी है, मतलब वहाँ पर हाथी आता रहता है। सो हम लोग अभी रास्ते पे है उस तरफ से हम लोग। इसके बाद ये पत्थर या नदी क्रॉस करके उस तरफ ये रास्ता के तरफ जाना है। मेरे साथ है मेरा दोस्त, वो दोस्त। तो देखते रहिएगा। सो अभी हम लोग नदी क्रॉस कर चुका है। अभी हम लोग उस पार से इस पार आ गया है। अभी जा रहा है उधर जंगल की तरफ, टुवर्ड्स मैन मेड फॉरेस्ट। होप आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगे। देखो हम लोग उस तरफ से इस तरफ आया नदी पार करके, एंड हियर इज होर्डिंग वेलकम टू द जंगल एलिफेंट कंट्री कैंप 400 मीटर्स अवे। मतलब और 400 मीटर हम लोग को उधर जाना है। सो लेट्स गो डियर। अभी हम लोग थोड़ा अंदर आ गया है जंगल का, देख सकते हैं आप लोग। पूरा मतलब ये पूरा जंगल ही है, मतलब क्या बोलूं, पूरा घास फूस है। देखो मतलब पूरा पेड़ है, मतलब इधर घुस के ही ना पूरा मतलब वो ठंड का एहसास हो गया। मतलब जो कहते हैं ना, पेड़ होने से ठंडा हवा आता है, ठंड होता है इलाका, तो ऐसा ही कुछ है इधर। मतलब देख सकते हो इतना मतलब पेड़ है, ग्रीनरी। सो अभी हम लोग थोड़ा अंदर के तरफ आ गए। आके इधर हम लोग को मिला इस मतलब फॉरेस्ट रिजर्व का ऑफिस। इधर देख सकते हैं फॉरेस्ट रिजर्व का ऑफिस। सो फॉरेस्ट रिजर्व का ऑफिस है इधर। देखो ऑफिस आदमी है, इधर आदमी रहते हैं। नेक्स्ट ऑफिस। प्लांटेशन पूरा किया हुआ है उधर, मतलब और पेड़ उगाएंगे। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये पूरा बंजर जमीन था यहाँ पर, ऐसा पेड़ पौधा बंजर जमीन था, उसको उन लोग ने देखा है। मतलब एक वो है ग्रुप है उन लोग ने इस पूरा बंजर जमीन को ऐसा जंगल बना दिया। मतलब बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा आके। मतलब अगर नेचर को फील करना है तो इधर आ सकता है, बहुत अच्छा जगह है। सो अभी हम लोग मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर ही बोल सकते हैं। इधर मतलब थोड़ा ऐसे बैठने का वो जैसा प्लेस करके रखा है।
ये देख सकते हैं यहाँ पे झूलना बना के दिया है और ऊपर पे लिखा है एलिफेंट कंट्री कैंप, नथिंग लाइक स्लिंग इन अ जंगल। सो ये देख सकते हैं, ये मतलब ऐसे टहलने के लिए जो इधर घूमने को आता है तो थक जाता है ना, मतलब इसलिए ये बना के दिया है। तो उधर पूरा जंगल है, उधर भी पूरा जंगल है, तो देख सकते हो आप लोग वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी लोग बैठा है। और ये देख सकते हैं पानी पानी जाता है। हम लोग इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस से, मतलब ऐसा छोटा मोटा है ऐसा जो जगह बना के दिया है उन लोग ने, यहाँ से निकल गए। अभी हम लोग जाएंगे उस तरफ और अंदर जाएंगे, थोड़ा जंगल के अंदर जाएंगे। और अभी मतलब हम लोग एक्सपोर्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम बाय चांस हम लोग के पास लाग होगा तो उधर एक चीज़ देखेगा, वो चीज़ है हाथी, एलिफेंट। सिंस ये एक एलिफेंट कंट्री कैंप है, यहाँ पे हाथी आता रहता है और एक्सपोर्ट पे उधर रहता है। अगर हम लोग के पास लाग होगा तो देखेंगे। अभी हम लोग जा ही रहा है उधर। होप हाथी हो उधर हम लोग को दिख जाए। ओ बंडू, हाथी काय लगा किधर है? हाथी काय लगा किधर है? इधर। और ये इस तरफ जाने से क्या मिलता है भाई? भैरवकुंड मिलेगा। ये हम लोग का जगह मिलेगा भैरवकुंड इधर जाने से। अभी हम लोग इधर से ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले उधर हम लोग हाथी देखने को जाएंगे। अगर हम लोग के पास लाग होगा तो देख पाएंगे हाथी। इधर क्या जाता है? हाँ, इधर दैफांग बोल के गांव का नाम है, वो दैफांग विलेज पे जाता है ये रोड। तो लेट्स गो हाथी देखने। So guys, अभी एक बात हो गया कि हम लोग को आगे जाने को नहीं दिया है। बोला गया है कि उधर मतलब हाथी का झुंड है, तो उधर फॉरेस्ट गार्ड भी लोग आगे जाने को नहीं दिया है हम लोग को। तो बैड लक, आगे जा नहीं पाएंगे। मतलब वो फॉरेस्ट का आदमी हम लोग को मिला था और उन लोग ने बोला कि आगे जाने का नहीं, हाथी है तो डेंजर हो सकता है। इधर आओ, तो आओ ना इधर। इधर वो जो घर दिख रहा है ना, उधर तीन थू बच्चा था, हम बुला रहा है, थोड़ा बात करेगा सोच रहा है। हम जैसे उन लोग के पास जाता है वो लोग भाग जाता है, क्या मतलब। हम लोग अभी घर के तरफ आगे जा रहा है, ये रास्ते के तरफ जाता है, मतलब हम लोग का भैरवकुंड स्विस गेट, जो भैरवकुंड का पिकनिक स्पॉट है उसके तरफ जाता है ये रास्ता। तो हम अभी थक गया, बूट पेडल चलाए हम, ये लोग तो साइकिल पे बैठा है। हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हम पैडल चल रहे हैं। अभी डेस्टिनेशन काफ़ी पास आ गया है, अराउंड
300 जैसा मीटर बाकी है और मतलब भैरव कुंडो पानी के लिए, भैरव कुंडो पिकनिक स्पॉट पानी के लिए। सो जा रहा है, अभी देखते रहिए। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है रे। आप लोग कोई बता सकता है क्या ये, मतलब ये करेंसी कौन सा कंट्री का है? कमेंट में बताओ ये कौन सा कंट्री का करेंसी है और ये कितना रुपया है। ये देखो, चल चले कहीं उड़ के आसमान। और सुनो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए, क्योंकि जल्द ही और ब्लॉग्स आ रहा है। और रिले मामू नहीं है ये बंदा, इस तरफ जाएगा बोल रहा है, इस तरफ क्या पहुंचता है हमको पता नहीं। क्या पहुंचता है भाई, तू एक रजा क्या हो? सस्केट का पानी डंट्रे रिवर मिलता है। जंगल 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 जंगल, इधर नहाएंगे क्या, इतना गंदा पानी। वन रिक्वेस्ट, जो जो इधर घूमने का आता है ऐसा लेटर मत करो यार, बहुत गंदा दिखता है। देखो ना, यहाँ पे पिकनिक सिकनिक करके क्या क्या खा के मतलब ऐसा ही छोड़ गया। ये देखो, लीकर का बोतल, प्लास्टिक सब, मतलब ऐसा मत करो ना यार। हम लोग जो जिस तरफ से आया था ना, वो जंगल से इधर ये सेम रास्ता है, हम लोग ने उधर डाइवर्ट ले लिया था। और इधर जा सकते हैं हम लोग का बोरो गाँव, और इधर सीधा जाने से आप लोग मिलेगा भैरव कुंडो का पिकनिक स्पॉट, भैरव कुंडो पिकनिक स्पॉट, जो अभी हम लोग इस तरह भी जाएगा। अभी हम लोग इस ब्रिज से जाएंगे, ये बेम्बू ब्रिज से, बेम्बू ब्रिज से उधर जाएंगे। और ये सीधा जाने से हम लोग का पिकनिक स्पॉट मिलेगा, इधर जाने से भी पिकनिक स्पॉट ही मिलता है। उधर वो जो फील है ना, उधर भैरवकुंडो टूरिज्म फेस्टिवल का कॉन्सर्ट, मतलब डीजे नाइट साइड, उधर का इधर स्टेज था डीजे नाइट लोगों का। अभी हम लोग फिलहाल इधर जाएंगे बेम्बू ब्रिज के सराब। और ये ब्रिज भैरवकुंडो टूरिज्म फेस्टिवल के दौरान बनाया गया था, मतलब जो कॉन्सर्ट साइड है ना, उधर जाने के लिए ये था इन, ये था एग्जिट। और यहाँ पे था भैरवकुंडो टूरिज्म फेस्टिवल का एग्जीबिशन साइट, एग्जीबिशन और कल्चरल साइट इधर हुआ था। इधर जाने से, इधर सीधा जाने से भैरवकुंड पिकनिक स्पॉट मिलता है। ये देखो, थोड़ा सफा, इतना भी सफा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही नहाना पड़ेगा, और क्या करें। सो अभी हम लोग का हो गया नहाना, आप लोग अभी हम लोग जाएंगे घर के तरफ। देख सकते हैं हम लोग नहा धो के तेल से लगा के, बाजार तेल से लगा के, मतलब पूरा रेडी हो गया। अभी जाना है हम लोग को घर के तरफ। यह है हम लोग का भैरवकुंडो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे होता है हम लोग का भैरवकुंडो
टूरिज्म फेस्टिवल का मेन इवेंट इधर होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो को देख के अच्छा लगा है तो लाइक करो और मेरे को कमेंट करो कि नेक्स्ट टाइम पे मैं मतलब मेरे ब्लॉग को सुधारने में आप लोग की मदद कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो क्या क्या गलती हुआ है मेरे से और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय ब्लॉग क्वालिटी। सो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, अच्छे से लेना। अभी कोरोना का समय है, अभी तो इंडिया में बहुत सारा बढ़ ही रहा है कोरोना, तो अच्छे से रहना, घर पे रहना, स्टे सेफ एंड बाय बाय टाटा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड दिस इज द पिक्सल गाय साइनिंग ऑफ।